Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. आज हम देखेंगे this verse कि प्रभु हमसे क्या कहता है. पर हे भाइयों, तुम उन बातों को स्मरण रखो, जूच वर्स 17, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके. अपोस्टल्स ऑलरेडी सेड व्हाट, क्या उसने कहा कि वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे. यानी दे सेड टू यू इन द लास्ट टाइम्स देयर विल बी स्कॉफर्स हु विल फॉलो देयर ओन अनगॉडली डिजायर्स और दीज आर द मैन हु डिवाइड यू हु फॉलो मी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड डू नॉट हैव द स्पिरिट. ये वो लोग हैं जिनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं. इन द मॉर्निंग आई वाज जस्ट टॉकिंग एट माय होम टू माय वाइफ, एवरीथिंग वही से बात करता है. उसके तो हम प्रीच करने लगता है, कभी कभी खाना बना के मिस कर दे, बट हम उसके प्रीच करता. आत्मा, सोल एंड द स्पिरिट आर टू डिफरेंट थिंग्स. फाइंड आउट, तो जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो ये बातें करेगा. पहले परमेश्वर के जो लोग थे प्रेरित, वे क्या करते थे कि अंतिम समय में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे लोग प्रचार करेंगे, ऐसे ऐसे लोग रकम रकम के वचन लाएंगे कि तुम उससे प्रभावित होगे. जो परमेश्वर से अलग है, जो वचन के अनुसार नहीं है, कैसे हो सकता है इसे? परंतु होता है. This is happening. अगर हम लोग देखें एक और जगह पे, अगर हम लोग देखें 1 Timothy 4:1, जगह जगह परमेश्वर के लोग आत्मा लोगों से बताते कि in the later times, the Spirit clearly says, NIV वचन बताता है, the Spirit clearly says that in later times many will abandon their faith. And follow deceiving spirits and things taught by demons. In later times, the Spirit clearly says, Atma spasht se kehta hai, clearly says, ki aane wale samay mein kitne log bharmane wali atmao aur dusht atmao ki sikshao par man lagayenge. लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे. जो विश्वास आपने प्रभु यीशु पे किया, जो विश्वास आपने अपने परमेश्वर पे किया, जिसके द्वारा प्रभु ने आपको चुन लिया, जिसके द्वारा आप चंगे हो गए, जिसके द्वारा आपको बहुतायत का आशीष मिला, उसको छोड़कर भरमाने वाली आत्मा के हम सेवा करते हैं. ऐसे होता है. हम लोग मसीह में बहुत दिन से आते हैं चर्च. दैट डज नॉट मीन कि हम लोग स्वर्ग के रास्ता देख लिया है. हम लोग देख लिया था जब शुरू में हम आए थे परमेश्वर में, हमने देख लिया था. परंतु अब वो रास्ते पे जनता कौन सी हुए, बोर चढ़े, बनकस होए उसके ऊपर, जंगल चढ़े, वो रास्ता खलास हमारे जीवन में, आपके जीवन में. Where is that road that goes to the Lord? Finish. Find sabhi usko par rakam rakam cheez. Aur wo jo cheez hai, wo shaitan hai. Wo rasta mein rukawat lata. Aapke rasta mein rukawat lata. Dekho, shaitan bahut bharmane wali cheez hai. Wo bharmane wali atma hai. Aapko bharmayega ki aise bol do. आप बहनी बहनी करके, बहनी कितना विश्वास करता है, ये बोलता है, वो बोलता है. दूसरा सेल ग्रुप में जाइयो, बहनी ऐसे बोले रही तुम्हारे बारे में. This happens. ग्रुप बना के वहां बात करो उसके बारे में. ये सब होता है. काहे, दिस इज बहरमाने वाली आत्मा है. क्यों आपको वहां पे ले जाती, क्यों आपके मुख से ऐसे ऐसे बात निकालती, क्यों आपके दिमाग में वो प्रभाव करती है, क्यों? क्योंकि हम उसको मौका देते, आओ हमारे जीवन में. हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए. जैसे पादरी ने आज कहा कि जब हमारा मोबाइल के रिचार्ज, जब उसके कुछ डाटा खत्म हो जाता है, तब आजकल दूसरा रकम हम लोग का डाटा खलास हो जाए, खत्म हो जाए, हम लोग छटपटाने लगता है. अरे डबल चार्ज ना, आज नहीं 4 आ, अगर कोई बताए थी तो रात भर सोने, अरे मिस कर दिया, अरे मिस कर दिया. अगर बाइबल नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं,
परंतु डाटा पीछे हम लोग इधर लौटता है, तकिया दबका उधर जाओ, अधी रात में जगा ख्याल है आज वो अपरा, हमारे पास डाटा नहीं है, कैसे फेसबुक देखेगा। ये भरमाने वाली आत्मा आपसे बातें करता है, आपके दिमाग में आता है, आपको परमेश्वर से हटाता है और अन्य अन्य काम कराता है जो प्रभु के तरफ से नहीं है। हम लोग कभी समझ नहीं पाते, हम ऐसे जाते हैं जब तक हम लोग के बड़का जो बड़ा वाला करार है यानी गड्ढा जब तक नहीं मिलता, हम लोग नहीं जानते वहाँ पर क्या है। इसी तरह हम लोग फॉलो करते हैं डिसीविंग स्पिरिट्स, रोंग रोंग बातें बताता है, तुम्हारे पत्नी ऐसे करी, तुम्हारे पति ऐसे करी, तुम्हारा बच्चा ऐसे करी, चर्च में ऐसे हो, भरमाने वाली आत्मा, और उसी के सेवा में हम लगे रहते, भूल जाते अपने घरे माँ बाप है, उसके सेवा छोड़ के दूसरा बगल वाला अंकल के हम लोग सेवा करने लगते। सी दैट इज नॉट गुड, यानी परमेश्वर के छोड़ के हम लोग शैतान के सेवा करते। हाँ वो द लॉर्ड लाइक ही, उसका कैसे उसको लगेगा जब हम परमेश्वर को छोड़कर, जिसने आपको बनाया, आपके अंदर के हर एक चीज वो जानता है, सब कुछ जानता, नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम। दुनिया में जितने चीजें तारे गण के वो नाम से पुकारता है। हम लोग देखते हैं गैलेक्सी में इतना ढेर तारा निकला, इतना सुंदर, कौन गिने हुए इसके, परमेश्वर उसके एक एक नाम जाने। ऐसे परमेश्वर के हम सेवा करते हैं फिर भी भूल जाते हैं हम। यही वचन कहता है कि इन द लेटर टाइम्स, इन द लास्ट टाइम, दीज आर लास्ट टाइम्स। अभी हम सुनते हैं पैपा में लिखा है कि 36 मंथ्स बाद शायद चाइना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ाई करी। हम लोग तो अपन बेटी को बता दिया, मामा बता दिए, फिजी वाला पासपोर्ट रिन्यू कर लो, भाग्य कर दिए। वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन लेटर टाइम्स, लेटर टाइम्स, दीज आर द टाइम्स। एक 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 किंगडम दूसरा किंगडम के ऊपर चढ़ाई करेगा, एक राज दूसरा राज के ऊपर, अकाल पड़ेगी, मुसीबत आएगी। हम लोग मसीह विश्वासी गिरजा घर आते हैं क्यों, कौन सी सोच कर आते हैं कि परमेश्वर खुश होगा? नहीं, परमेश्वर उस समय खुश होगा जब तुम्हारा जो शरीर के जो अंदर तुम्हारा हाथ है, जो 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 तुम्हारा दिल है, चीर चीर हो जाए, बेकार चीज जो है निकल के दूर जाए और परमेश्वर के महिमा के लिए उछल जाए। गॉड लाइक्स ऑल दोज थिंग्स। क्या तुम अपने माई बाप के, अपने पिता के, अपने बच्चों के बारे में ख्याल करते हो? हा, अगर नहीं करते हो और गिरजाघर आते हो, देट इज रॉन्ग। You should know what is wrong and what is right. Until unless you have the Spirit of God, you will not know. क्योंकि all this time if you don't know that you are doing wrong, that means you don't have the Spirit of God. I challenge you and I beseech you, you have the Spirit of the enemy. भरमाने वाली आत्मा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा जब आत्मा तुम पर उतरेगी तो तुम सामर्थ पाओगे। अब तुम जगह जगह पर दुनिया में, समरिया, यहूदिया में और जेरूसलम और पूरे दुनिया में तुम मेरा गवाह होगे, आई स्टैंड हियर परमेश्वर के गवाह बनकर। तो जब वो आत्मा है, इट विल कम इनसाइड ऑफ यू। इफ यू हैव द स्पिरिट, यू डू समथिंग रॉन्ग, एज सून एज यू स्टेप फ्रॉम दिस प्लेस रेड कार्पेट टू देयर, द स्पिरिट विल विटनेस यू, नो दैट्स रॉन्ग, डोंट डू इट। But we keep on doing that and keep on coming to church. This is very hard preaching. I don't teach, I preach. क्योंकि वचन कहता है कि वचन काटेगा छाटेगा। अभी भाई बॉब ने बताया, तो काटेगा वो वचन आपको टॉमेंट करेगा कि ये ब्रदर हमें आज ऐसे करी, उसके नहीं छात्रा करे, बिकॉज आपको लगा ये इतना साल तक मैं आता हूँ चे, जब पादरी कुछ बोले और मैं करता हूँ, चोर की नहीं, मैं चोर था अगर जो, तो वो मुझे लगेगा, तो इसमें कंप्लेन कौन चाहिए? जो कुछ तुम बोएगा वही काटेगा, जो कम बोएगा कम काटेगा, जो ढेर बोएगा वो ढेर काटेगा। जितना परमेश्वर के करीब तुम आगे, परमेश्वर और आएगा। परंतु जब परमेश्वर दिखना, परमेश्वर और तुम में एक खाई है, परमेश्वर के मतलब पिताजी, हम दोनों के बीच एक खाई है, वो खाई इधर से उधर जाने के लिए एक पुल की जरूरत था, और वो पुल बनकर प्रभु यीशु मसीह आया, प्रेज द लॉर्ड, कि उसके द्वारा हम पिता के पास जा सके। क्या हमारे जीवन में कुछ अहम जगह नहीं रखता हमारा परमेश्वर? क्या हम उसको धन्यवाद देते हैं?
क्या उसके बड़ाई हम करते हैं? खाना लेके चलते हैं, जनता वहाँ टेबल है, प्रभु धन्यवाद रोटी के लिए, धन्यवाद चाय के लिए, प्रभु हम जल्दी खाए के जल्दी काम पे बैठ के धमक के चल दो। तुम्हारा कहां से तुम्हारा वो धन्यवाद निकलता है, कहां से निकलता है? ये होता है, आई एम टेलिंग यू 100% ये होता है। अगर मुझे कभी हुआ तो डेफिनेटली आपका होगा। हमारा प्रभु गुनगुन नहीं, ही डजंट लाइक लुक वॉर्म। एकदम ठंडा वहां जाओ, गरम मेरे पास आओ, क्योंकि आवर लॉर्ड इज अ कंज्यूमिंग फायर। मैं परमेश्वर के बात करता हूं, पिता के पिता प्रभु यीशु मसीह, ही इज सिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ आवर फादर। क्योंकि परमेश्वर दाऊद ने कहा कि माय लॉर्ड सेड टू माय लॉर्ड, मेरा प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि तू मेरे दाहिनी ओर बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मन को तुम्हारे पैर के नीचे ना ला सकूं। आई थिंक दैट साम 66 वर्स, व्हाट दैट इज व्हाट इट इज। परमेश्वर इज एट वर्क। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु पिताजी हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। गॉड डजंट एक्सेप्ट योर थैंक्स गिविंग विदाउट जीसस नेम, उसी के द्वारा सब चीज होता। तो ही प्ले वो बहुत अहम जगह, अहम जो पोजीशन है वो प्ले करता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम लोग दूसरे के साथ मिल जाते हैं, दूसरे के ग्रुप में चले जाते हैं, दूसरे जो कुछ करते हैं हम वही काम करते हैं। शुरू में ठीक रहते हैं, नहीं नहीं हम नहीं सुनेगा ये बात, हम ये चीज़ नहीं देखेगा फेसबुक पे, नहीं 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 हमने सुने भैया तुम लोग बात करो हम नहीं बात करेगा, ऐसे वहाँ चले जाए। आस्ते आस्ते आज आया बयान आया, परसों तो मंडली प्रेसिडेंट हो गया। लेट्स सी वाज फर्स्ट जॉन फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 5 वर्स 22 सेज। हम देखे जब हम दूसरे के साथ मिलजुल कर ये काम करें, बोले डू नॉट, हम तो NIV किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, दूसरे के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। Who is pure? Psalms, I forgot that verse, कहता है कि कौन परमेश्वर के पहाड़ पे जा सकता है? अपने आप को पवित्र बनाए रखना, वही जो खरा है। आप खरे हो, मैं खड़ा हूं पवित्र बनाने। किसी पर शीघ्र डू नॉट lay hands on anyone hastily, यानी हड़बड़ाई के, हाँ ब्रदर कंधा पकड़ के चलो, that does not mean that। वो मीन करता है कि तुम दूसरे के बुरे काम में सहभागी ना होना, अपने आप को उनसे दूर रखना। कोई बात नहीं, तुम्हारे नौकरी पर लोग है ऐसे ऐसे बातें करते, गंदी गंदी बातें करते, गंदी गंदी चीज देखे, यू स्टे अवे फ्रॉम देयर, यू प्रे। उसके साथ जाने से अच्छा है यू प्रे और अलग प्रार्थना करे, हे प्रभु ये सब चीज से निकालिया, नहीं तो प्रभु मुझको यहां से निकाल कर ऐसे जगह कर जहां ये सब चीज हम मुझे हमारे ऊपर प्रभाव ना करे। हमारा जीवन याद रखना, कई समय कितने समय यहाँ पे कह जाता है कि सोचो परमेश्वर आए गए वहां पे, कौन सी बोलेगा, हाँ प्रभु मैं लीडर था मिनिस्ट्री में, मैं ये करा, मैं प्रचारक था। परमेश्वर तो बोली मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारा जो प्रचार है, तुम्हारा जो प्रार्थना है, तुम्हारा जो सेवकाई है परमेश्वर के पास जाता नहीं है, ही डजंट नो यू। अगर एप्लीकेशन किया आप USP में या न्यूजीलैंड में या कोई भी जगह, वहाँ पे आप किया 3 हफ्ते बाद जाए फाइंड आउट करा कौन चीज, यू आर डेस्परेट, और जाते वहाँ पे पूछे कि मेरा एप्लीकेशन के क्या हुआ, और वे कहेंगे तुम्हारा एप्लीकेशन यहाँ नहीं है, इस कौन चीज करेगा, व्हाट विल हैपन। इसी तरह परमेश्वर अगर कहेगा तो क्या कहेगा, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1, आई लव्ड इट, लास्ट वीक फादर डे ने यहाँ कहा, कैन आई हैव रेवलेशन 3 वर्स 1। ये सब चीज हम लोग जब पढ़ेंगे नहीं तो हम जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो उस पर हम चलेंगे नहीं। हमारे में गलतियां है, ठीक है, हम मनुष्य,
हम फिसल जाते, हम गिर जाते, हम मैल कीचड़ में चलते, परंतु प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। 3:1 और सार्दिस की कलेसिया के दूत को लिख, यूहन्ना के आत्मा से ये आत्मा कहता है, परमेश्वर कहता है प्रभु को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, 7 stars, 7 spirits, या कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। आप यहां पे बैठे हो, आप बहुत दिन से गिरजाघर आते हो, परंतु कितने पानी में आप खड़े हो कि आप जानते हो अपने। इसलिए पादरी जब यहां कम्युनियन लेता वो कहता अपने आप के जांचो, हम लोग वी कैन नॉट टेस्ट यू, यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ कि मैं कहां खड़ा हूं, कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। आप लोग यहां पे आते हो, मैं आता हूं, आई लव डी जब पादरी सेलेश लास्ट वीक ये वेस यहां पे पढ़ा, बिकॉज आई नो दिस वेस, ये वेस मुझे किप्स मी ऑन माई टोज कि तू जो जूता कहलाता है, इज टॉकिंग टू द चर्च, रिमेंबर, वो चर्च सोचता है कि आई एम डूइंग, वी आर डूइंग मार्वलसली गुड, लाइक यू लाइक मी, हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा जाते हैं चर्च, या करते हैं, बहुत कमिटेड है, टाइट देते, ऑफरिंग देते, सब चीज देते, परंतु परमेश्वर अगर कहेगा तू जीवता है बॉडी फॉर्म में, शरीर के रूप में, परंतु आत्मा के रूप में तू मरा हुआ है, और लॉर्ड डजंट लाइक योर बॉडी, ही डजंट लाइक योर बॉडी, ही डजंट लाइक योर क्लोथ, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ही इज इंटरेस्टेड इन द स्पिरिट ऑफ गॉड जो आपके अंदर है, उसके चलाई चलो। The Spirit clearly says, thank you. The Spirit clearly says, in later times, many will abandon their faith. 1 Timothy 4:1, abandon their faith and follow deceiving spirits. आत्मा जो भरमाती है, जो तुमको अलग ले जाती है, ऐसे से काम कराती है जिसको तुम कभी सोच भी नहीं, एंड देन वे सिट डाउन, जब वो बैठ कर आप सोचते हो, जब पुलिस स्टेशन में होते हो, जब अस्पताल में होते हो, तब कहते हो कि हाँ प्रभु मैंने कोई जगह गलतियां किया है, प्रभु हमें क्षमा कर, मैं बीच को ना बी टू लेट, मैं भी परमेश्वर आपको चंगा करके फिर से भेजता है, इज टीचिंग यू समथिंग, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टीचिंग यू। परमेश्वर कहता है डू नो मोर। वो स्त्री से जो दो स्त्री व्यभिचारिणी से परमेश्वर ने कहा कि मैं भी तुझे तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगाता हूं, जा, परंतु अब फिर ना करना। हमारे सोच, हम मनुष्य, परमेश्वर हम लोगों को ज्ञान दिया, परमेश्वर हम लोगों को बुद्धि दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए, कुत्ता पूसी के बुद्धि नहीं दी से, नहीं तो वो हम लोग के संगे घर में रहता, नहीं रहता रोज दुआ कुरुस्ता, हमें भीतर सुहा। हम लोग ऊंचा दर्जा प्रभु हम लोग के दी से क्या करते अपने जीवन को, हम लोग तो परमेश्वर के जब आत्मा अपन आपके अंदर आता है और आप कहते हो प्रभु हां धन्यवाद, परमेश्वर कहता है कि आजाया चैप्टर 1:13 प्लीज। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऑफरिंग लाते हैं, हम लोग लेके आते हैं टाइथ, हम लोग परमेश्वर की सेवा करते काम से, सुनो परमेश्वर क्या बोले आजाया, व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभा को प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ के काम करना मुझसे सहा नहीं जाता है, अनर्थ के काम, नेक्स्ट वन प्लीज, अनर्थ के काम करना सहा नहीं जाता, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वतों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं, वे सब मुझे बोझ से जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं, क्योंकि तुम्हारा जो वो आता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा,
तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है जो अजाया भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई है कि परमेश्वर आप लाते हो, प्रार्थना करते हो, की करते परमेश्वर बताए मैं उगता गया हूं। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू दैट। देन वी गो टू साम चैप्टर 50:9 कि परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है। हम लोग कभी कभी ऐसे ही सोचते कि मैं परमेश्वर के, हम परमेश्वर के लोग हैं और ये चीज ले जाते हैं, कोई बात नहीं, गिरजाघर नहीं आते 3-4-5 महीना, नो प्रॉब्लम, 3-4-5 हफ्ता, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे कुछ और काम आ गया है। आज हमारे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अभी भी कहता हूँ कि हमारे पास कोई चीज इंपॉर्टेंट आ गई है। एक समय मैंने कहा था, क्या कहता कि सोचू आपके कोई दोस्त तो आपके परिवार को ऑस्ट्रेलिया से आता है और आपको 10,000 पैसा दिया कभी जब आपको जरूरत था, परंतु ये हम अपने ट्रिपल एन में कह चुके हैं कि आप जब आता है वो, और जब फिजी आया घूमे तो आपके घर संडे के आना होता है, और वो कहा कि यही मेरे समय है और इसके बाद में नहीं आ सकता हूँ क्योंकि ट्यूजडे को मैं जाता हूँ, क्या आप क्या करोगे? $10,000 की प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको, जब आपको जरूरत था शारीरिक रूप से, आपके मुसीबत था, बैंक के आपको पेमेंट करना था गाड़ी के लिए या घर के लिए, ही हेल्प यू। इट वॉज जैसे रिपो आता है बैंक से, ही केम एंड ही स्टूड देयर योर फ्रेंड और योर ब्रदर एंड ही गेव यू मनी एंड यू पेड, जाए कि बैंक में पे कर दिया और अपन मोगेज के क्लियर कर दिया, एवरीथिंग फिनिश, नाउ यू आर अ फ्री पर्सन। वही आदमी अगर फिजी आया घूमने के लिए और कहता है ब्रदर मैं आता हूँ संडे को सुबह 10 बजे और मैं लंच को आता हूँ, ट्यूजडे को लौट जाऊंगा, क्या करोगे? गिरजाघर आओगे कि बत्तख बनाओगे? और वहां के आदमी बतावे ऑस्ट्रेलिया में बत्तख नहीं मिले, एक से एक कलट कलट के बत्तख मिले, क्या करोगे? ऐसे होता है आपके जीवन में, आज आई चैलेंज यू, ऐसे हुआ है मेरे जीवन में, आपके जीवन में होता है। हम घरे बैठ गए और तरकारी बनाएंगे उसको स्वागत के लिए करें, हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जान दिया। वैल्यू मनी ओ लाइफ, व्हाट यू वैल्यू? आज के दिन से लेकर आप ख्याल करना, क्योंकि हम परमेश्वर के दंड के नीचे आते हैं इफ वी डू थिंग्स लाइक दैट, कि प्रभु यीशु को छोड़कर हम पैसा के सेवा करते हैं। परमेश्वर ने दुख सा, बहुत मुसीबत सा, बहुत तकलीफ सा, अपने कांधे पर वो जो क्रूस को वो लेकर चला और ना चला सका तो पड़ोस के गांव से एक व्यक्ति आता रहा, उसके ऊपर लादा गया, बिकॉज ऑफ यू एंड बिकॉज ऑफ मी। वो अपने चेलों से कहा कि इफ आई आस्क माय फादर ही विल सेंड 12 लीजन्स ऑफ एंजल्स, 12 आर्मीज ऑफ एंजल्स आएगा एंड दे विल डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, बट नो, दिस इज फॉर यू पीपल। कितना वैल्यू हम लेते हैं उसके जीवन के लिए, कितना वैल्यू लेते हैं? कैन आई हैव दैट वन अगेन प्लीज? सॉरी ना, मैं तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाले से बकरे ले लूंगा, नेक्स्ट वन प्लीज, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और 1,000 पहाड़ों के जानवर मेरे ही है, नेक्स्ट वन, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं। हु सेइंग दैट? अजाया नहीं कहे, हु सेइंग दैट? गॉड ऑलमाइटी, एवरीथिंग इज माइन, आई नो जो हर एक जो बर्ड्स है, I know all the birds of the mountains. अभी तो हम लोग देखा नहीं बर्ड के, रकम रकम इतना सुंदर ढंग से प्रभु बनाया, अगर हम लोग देख लेगा फेसबुक में या यूट्यूब में, इतना सुंदर चिड़िया कभी नहीं देखा, बट गॉड नोज दैट, क्योंकि उसने बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हमारे लिए चंबा है, प्रभु के लिए चंबा नहीं है। और मैदान पर सब चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है, नेक्स्ट वन प्लीज, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है, सोचिए, जगत और किसका है? वो परमेश्वर के, मेरा ही है। अभी इफ आई पास अवे, माई वाइफ इज नॉट माई वाइफ, टेम्पररी है खाली, आई एम हर टेम्पररी हस्बैंड यहां पे,
इसके मतलब नहीं बयान चेंज कर दी, 40 से ऊपर साल से हम लोग संगे, अभी चेंज ने भी कुछ उम्मीद नहीं है चेंज करे के, परंतु फिर भी सोचना ये बात कि जब हम लोग परमेश्वर के, अभी हम लोग रकम रकम के काम करते हैं, अच्छा ये भी पढ़ दी, क्या मैं बैल का मांस खाऊं वह बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, दैट्स माई टॉपिक, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, परमेश्वर के धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपने मन्नते पूरी कर, यो प्रोमिसेस, और संकट के दिन में मुझे पुकार, देन व्हेन यू डू दैट, तो संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, प्रेज द लॉर्ड। नथिंग इज हियर इज योर्स माई फ्रेंड, वो घर तुम्हार नहीं है, वो मोटर तुम्हार नहीं है, वो बिजनेस तुम्हार नहीं, दिस के लिए हम लोग इतना मरते हैं। अगर ये सब कंपेयर करो, इन कंपेयर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, जिसके द्वारा, जिसके नाम से हम पुकारे जाते हैं, क्रिश्चियंस, हम ईसाई लोग हैं, ईसा मसीह के नाम से पुकारे जाते हैं, अदरवाइज वी हैव नो आइडेंटिटी, हमारा कोई भी पहचान नहीं है। भाई अजय यहां बैठा, भाई डेविड बैठा, भाई बॉब बैठा, मैं नवेंद्र प्रसाद, यहां कोई पहचान नहीं है। Nothing doing, never mind, kitna bada businessman ho, you play millions, doesn't really matter to the Lord. He, usne kaha ye sab cheez sansar aur usme jitna hi cheez hai wo mera hi hai. That's why jab hum marte hain haath band ho jaye ise kuch lene paye usme. That's why you cannot take anything from here. You know as much as I do, jitna aap jante ho main janta hu. हम सब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बारे में चिंता करो। एक टेस्ट बिफोर आई एंड आई जस्ट टेल यू, अब मुझे तो और सको बताए बट परंतु हम समय नहीं, हम 2-3 weeks ago मेरे उंगली में यहाँ पे जो फिश के काटा वो धस गया था, और मैं सोचा पता नहीं कौन सी है, और यहाँ से रकम रकम के कला हुए लगा, अब पिराए हमारे वाइफ बोले पता नहीं कौन सी भाई, हम बोला पता नहीं कौन सी, अब बोले प्रया करो, प्रया करा कुछ होते नहीं, 3-4 रोज प्रया करा, दूसरे के प्रया करता हम चंगा हो जाए, हमारे प्रया हमें नहीं लगे, तो हम बोला अच्छा जाइए हम वहाँ पे डॉक्टर के पास, गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ये जो हमारा पीरा ऑलरेडी पिराए, बोले हम इसमें सुई कोचेगा, हम बोला कहा है, बोले इसमें कुछ है, बोले पानी या डेटी ब्लड, बोले उसमें निकालेगा, तो हम उससे पूछा डॉक्टर कुछ नम करे वाला चीज वहाँ है, तो बोले नहीं है, हम बोला तब कैसे करियो, बोले वैसे भोकेगा, अरे दादा हमारा ग्रैंडसन भी संगे रहा, उसके स्कूल पिक करके ले गया 3 Fridays अवे, तो हम बोला और कोई चॉइस नहीं, कोई चारा नहीं, उसने कहा कोई चारा नहीं है, हमें यही चीज़ करे पड़ी, अच्छा हम बोला अच्छा ठीक अब भोको कुछ करी, पकड़ के ऐसे हम हाथ ऐसे यहाँ से यहाँ पकड़ा ऐसे करा, वही हमारे हाथ इधर कर दी से, बोले उधर करो हमें इससे काम है बस इसमें, बोले थोड़ा पीड़ा, अरे हम बोला ऑलरेडी पीड़ा है डॉक्टर ही, तो डबल स्ट्रेंथ से पीड़ा हुई, कोचा उसने इतना पीड़ा मुझे, मैं गिर जाने घर नहीं आता, वो डॉक्टर तो हमें एकदम फ्लॉप कर दिया, एकदम हमारा मूड खराब है, एकदम हमें पसीना पसीना हो गया, फैन चलावे तो भी जितना डॉक्टर जनता रहा वो फैन पहले चला दिए रहा, पसीना पसीना हमें, इसमें कोचिज ऐसे दबावे वैसे दबावे, और टेबलेट दे दी, एक टेबलेट बोले जब पिराई तब खा लेना, वो पिराए हम खाता कुछ भी नहीं हुए, हम बोला अरे दादा न्यूरोफेन खाओ, या उसमें कोई रकम के टीचिंग, हम समझ गया परमेश्वर हमें टीचिंग करे, वो कहता है कि तुम्हें एक सुई इतना पिरान, नवेंद्र प्रसाद सोचो जब काटो का ताज मेरे सिर पर था, अनगिना उसमें सुई रहा, और जब मुझे पहनाया गया कैसे लगा होगा, डू यू फील दैट, आपको नहीं पता लगेगा जब तलक आपके सुई नहीं कोचाइया, यू विल नॉट फील कि कितना दुख प्रभु यीशु के था, हमारा एक परमेश्वर के ऐसे कई सो मेनी हंड्रेड्स थोन्स दबाया गया आपके लिए मेरे लिए, ताकि हम अनंत जीवन पा सके, ताकि हम वही रास्ते पे चले जाओ प्रभु, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रभु, हाँ आपने सिखाया हमें, आज हम टाउन जाते हम छोटे छोटे चीज में प्रभु के धन्यवाद नहीं देते, हम जाते मार्केट में
देखना कोची हुए मार्केट में जाते सीन देखना मार्केट में जाते वहाँ एक स्त्री बेचती है बगल में बेचती है, हम लोग देखा यहाँ भिंडी नहीं इच्छा, दूसरा जगह गया भिंडी नहीं इच्छा चला गया, खीरा देखा वहाँ नहीं इच्छा, ये दूसरा जगह खीरा दे अच्छा ये कूड़ा अच्छा है, अच्छा ये कूड़ा मसी मोटाला खीरा हम नहीं मांगता है बिकॉज जब मांगता उसके जो फोकला सहित खाए तो हम बोला कर वाले तब चेंज करो वहाँ से यहाँ रख दिया, हम लोग ले लिया उसके पैसा हम लोग उसके पैसा दिया हम लोग उसके बोलता थैंक यू। जिंजा खराब है जिंजा चेंज करके दूसरा जिंजा रख के हम लोग उसके त्री रोला देता है एक कूड़ा, हम लोग बोलता थैंक यू। वो बोला तू इतना जक्की है हमें चाहिए थैंक यू बोले बिकॉज हम बिजनेस हमें दी से उल्टा थैंक यू बोले। ऐसे ऐसे चीज में हम थैंक यू बोलते हैं, परंतु परमेश्वर जो क्रूस पर मरा, जो दुख सा तकलीफ सा जो पीड़ा सा आपके लिए हमारे लिए कितना थैंक यू। ये वचन ये जो आपके आज के जो प्रीचिंग है ये आपको काटना चाहिए, अगर काटेगा आज से आप बोलेंगे प्रभु अपने दिल से थैंक यू। व्हेन यू डू इट फॉर द लॉर्ड, कुछ भी करो परमेश्वर के लिए। आज मैं तो हर समय बोलता हूं फिर भी कहूंगा आप जो चेयर पे बैठे बेंच पे किया क्लीन है somebody did it for you people, परंतु जब आपके टाइम आता है सफा करने के लिए आप नहीं आते परंतु यहां एक बैठ जाते हो। लास्ट टाइम 2 weeks पहले हम लोग यहां सफा कर लिया, उससे थोड़ा पहले 5 weeks बैक हमारे फॉर सम रीजन आई डिड नॉट कम, तो हमारे आई वॉज सिक लिटिल बिट, तो हमारे पत्नी और लोग आए थे हमारे NNN के, वट दे फाउंड आउट वहां पे इतना दूर में नखून काट के कोई वहां रखी स्नेल कटा से। They told me, it's so bad, परमेश्वर के घर में आते हो नेल कटा लेके, हाँ is that good? कितना रेस्पेक्ट प्रभु के आप देते हो, that shows कि अभी तक हम लोग परमेश्वर के पहचाना नहीं। My house is called the house of prayer and worship, ये सब कुछ हम लोग जाने परंतु ये हो है। I that was so bad. I even didn't tell Padri or anybody else. I felt so bad when they told us कि हम लोग के लोग यहाँ ऐसे आते बेंच पर से जाते बुलेटिन वहीं छोड़ देते, बैठ कर ऐसे घिसते बार जितना टूटे वहीं छोड़ दो बिकॉज बुरो मोह हम देखता है, that's not good. परमेश्वर के भय मानना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद के भेंट चढ़ाओ। God doesn't need anything from you. He says everything in the world is mine. Every cent that you earn is mine. Your house, everything is mine. कोई कोई लोग तो हम जाता है YouTube में देखता है abandoned houses, सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा घर people छोड़ के चले जाते, कोई भी इसके वारिस नहीं है, बड़ा बड़ा सुंदर घर फ्रिज में वैसे चीज रखा 10 years हो गए सड़ गए, अगर वो मरता तो लिख जाता, परंतु नो कुछ भी तुम्हारा हमारा नहीं है। सो प्लीज ऑब्जर्व दिस प्लेस प्रेज प्रेयर ट्यूजडे के आओ यहां मिलकर हम परमेश्वर के महिमा करें परमेश्वर के बड़ाई करें और यहां से प्रभु के आत्मा लेके जाओ ताकि तो आत्मा के चलाई चलो ना कि दुष्ट के चलाई। प्रेज द लॉर्ड आमेन। प्रभु बहुत मान है isn't he? अंतिम में हम परमेश्वर के धन्यवाद दे, हे प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें बुद्धि दिया, आपने हमें ज्ञान दिया, आप हमें सिखाते हो, हमारे पास ना तो शक्ति ना तो बल से कुछ होता है प्रभु, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, परंतु जो कुछ है जो कुछ होगा आपके आत्मा से, हम आपके आत्मा से चलाए चले हुए लोग हैं प्रभु। आज तक जो कुछ हमने किया है हमें उससे छुटकारा दे दो, आज तक हम आपको पहला स्थान नहीं दिया, आज तक हमारा जो धन्यवाद रहा प्रभु वो बहुत गहरा नहीं था वेरी शेलो, परंतु आज से आई प्रोमिस टू यू लॉर्ड कि हम अगर धन्यवाद देंगे तो दिल से देंगे और आपको पहला स्थान देंगे, और जितने गलतियां हमारे अंदर है जितने त्रुटियां हमारे अंदर है प्रभु ये निकाल कर दूरी कर। प्रेज द लॉर्ड आमेन। लेट्स प्रे। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए इस दिन के लिए, दयालु पिताजी आपने जो कुछ अपने सेवक के द्वारा कहलवाया प्रभु हम उसके लिए धन्यवाद देते, और हम जानते कि आपके वचन सही भूमि पे गिरेगा और वह फल लाएगा 100-fold प्रभु 100 गुना 200 गुना 500 गुना फल लाएगा, ताकि हम लोग जो अभी तक
बहुत जो काम नहीं करते थे प्रभु, आज से वो करेंगे तेरे राज के काम। और धन्यवाद आपको दे अपने दिल के गहराई से, तो हमारा धन्यवाद स्वीकार करना। हमारा प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम सब करते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। थैंक यू।